और उधर बनारसी चाट, लड़कियों की पसंद चटपटे चाट, ये भी बिना लहसुन प्याज के आपको सब कुछ यहाँ पर देखने को मिला। समोसा, कचौरी, सब सेल्फ सर्विस है। जी जी, सेल्फ सर्विस है पूरी। ये देखिए पूरे सब लोग यहाँ पर ग्रुप में पूरा बैठे हुए हैं, आनंद ले रहे हैं। बनारस ये भी रंग अब देख रहा है मोदी जी और योगी जी के राज में। फिर पनीर रोल, हॉट रोल, वेज पफ, सब एगलेस होगा, सब एगलेस, क्योंकि ये मंदिर के अंदर खुला हुआ है। ये भी देखिए, ये स्वीट शॉप, ऊपर देखिए लिखा भी काशी के स्वीट, काशी के स्वीट। अब आप देख लीजिए रेट लिस्ट, क्या रेट लिस्ट है इधर, थोड़ा जूम करके भी दिखा दूंगा ताकि आपको अच्छे से अंदाज़ा लग जाए। चाय, हर हर महादेव, खुल गया खुल गया खुल गया, काशी विश्वनाथ में भुक्कड़ों के लिए ठिकाना खुल गया खाने का। उधर उडुपी टू मुंबई आपको लेके चलते दिखाने के लिए, हालांकि मैं मज़ा ले रहा हूँ। और यहाँ पर ये भी बता दूँ कि खिचड़ी भी अन्नपूर्णा ट्रस्ट की तरफ से बांटी जाती है, लेकिन वो जो सो कॉल्ड रईस ज़्यादे जो हैं उनको पसंद नहीं आएगा, उनको ऐसी ही जगह बैठना पसंद आएगा। तो उन भुक्खड़ों के लिए यहाँ पर ये रेस्टोरेंट खुल गया है, उडुपी टू मुंबई, पता नहीं अजीब सा नाम है, इसको बनारसी नरसी नाम करना चाहिए था, बनारसी रचित ब्लॉग्स की तरह। चलिए आइए अब दिखाते हैं, ये काशी विश्वनाथ आप देख रहे हैं द्वार, इधर आपको अभी शिखर दर्शन भी करा देंगे। उधर अहिल्याबाई होलकर जी हैं जिन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, इंदौर की महारानी। और इधर भारत माता, आइए अब चलते हैं, इधर शिखर दर्शन भी कर लीजिए। देखिए यहाँ से शिखर दर्शन भी हो जाएगा आप लोग, तो जय भारत माता की। कितना सुधार हो गया पहले से, देखिए यहाँ पर तिरपाल लगा दिए गए ताकि धूप में आने वालों को दिक्कत का सामना ना कर पड़े नीचे, और मैट बिछा दी गई है, रेड कारपेट। चलिए ये रेस्टोरेंट का एक जायज़ा लेते हैं। पीछे देखिए भारत माता मंदिर, और ठीक बस इधर से सीढ़ियों से चढ़ते हुए आप आएंगे, एंट्री मारेंगे। और इधर देखिए यहाँ से लिखा हुआ है उडुपी टू मुंबई, अजीब सा नाम है। और ये देखिए पनीर रोल, हॉट रोल, वेज पफ, सब एगलेस होगा, सब एगलेस, क्योंकि ये मंदिर के अंदर खुला हुआ है, सब एगलेस है। और यहाँ देखिए लड़कियों की पसंद चटपटे चाट, ये भी बिना लहसुन प्याज के आपको सब कुछ यहाँ पर देखने को मिला। समोसा, कचौरी, सब सेल्फ सर्विस है। जी जी, सेल्फ सर्विस है पूरी। ये देखिए पूरे सब लोग यहाँ पर ग्रुप में पूरा बैठे हुए हैं, आनंद ले रहे हैं। बनारस ये भी रंग अब देख रहा है मोदी जी और योगी जी के राज में। इधर देखिए जूस और फल का शॉप है, ये भी देख सकते हैं। और उधर बनारसी चाट, और उधर ग्लोबल बेक बेकरी वाली शॉप, छोटे छोटे कॉर्नर्स हैं और सब लोग यहाँ पर बैठा हुआ है। उधर दर्शन भी चल रहा है, उधर लोग दर्शन करके आ रहे हैं, इधर इधर फिर आ जा रहे हैं। इधर चाय की स्टॉल्स लगी हैं, चाय कॉफ़ी की स्टॉल है। चलिए अब उधर आपको चल के रेट लिस्ट भी दिखा देते हैं। इधर देखिए राजमा चावल, बनारस में जल्दी राजमा चावल, छोले चावल देखने को नहीं मिल पाते, छोले चावल तो मिल जाते हैं, राजमा चावल बहुत कम देखने को मिलता है। सेल्फ सर्विस है, आप अपना टोकन कटवाइए और यहाँ पर ऑर्डर लेने आइए। बता दें ये भी देखिए, ये स्वीट शॉप, ऊपर देखिए लिखा भी काशी के स्वीट, काशी के स्वीट, ये स्वीट शॉप है, शॉप्स है। फिर भी देखिए मलाई पिस्ता सब आपको, मतलब एक जगह पर सब कुछ खाने पीने का आइटम मिल जाएगा। तो और इधर देखिए, इधर भी देख लीजिए कूलिंग पॉइंट, कूलिंग पॉइंट मतलब रिफ्रेशमेंट, यानी ठंडा, मतलब पहले कोका कोला होता था लेकिन अब उसकी परिभाषा बदल दी गई है, मिरिंडा पेप्सी सब है यहाँ पर। चलिए अब आते हैं मेन पॉइंट की तरफ, रेट लिस्ट की तरफ। अब आप देख लीजिए रेट लिस्ट, क्या रेट लिस्ट है इधर, थोड़ा जूम करके भी दिखा दूंगा ताकि आपको अच्छे से अंदाज़ा लग जाए।
चाय 20 रुपये की है, ठीक है, फिल्टर कॉफ़ी 30 रुपीज़, उपमा 90। चलिए मैं अब ज़्यादा पढ़ूंगा तो नहीं, आप पॉज करके इसको देख लीजिएगा, जहाँ से बस आपको ऑर्डर लेना है, और यहाँ टोकन मिलेगा स्लिप, और जिस काउंटर पे आपको जाना है उस काउंटर पे ले जाके स्लिप देंगे और आपको ऑर्डर आपके हाथ में दे दिया जाएगा। सेल्फ सर्विस है। चलिए आइए, सभी लोग आनंद में हैं, बैठे हैं, मज़ा ले रहे हैं सब लोग। ये काशी में अब आपको ऐसी ऐसी चीज़ें भी अब देखने को मिल रही हैं। अपना बनारस किसी दिल्ली मुंबई से कम नहीं है। मुंबई के लोग यहाँ पर आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने, उडीपी टू मुंबई। एक ज़माना होता था कि इन्वेस्टमेंट करने वाले आते नहीं थे इन्वेस्टर, उनको डर लगता था बनारस और उत्तर प्रदेश में आने से, क्योंकि यहाँ पर बाहुबलियों और माफियाओं का राज था। और आज योगी शासन में आप देख सकते हैं बाहर के लोग आ रहे हैं, दूसरे राज्य के लोग आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कमा भी रहे हैं और सबको सुविधाएं भी दे रहे हैं। यहाँ के जो जनरल मैनेजर हैं पांडे जी, आप अपना पूरा नाम बताइए। चंचल पांडे। चंचल पांडे जी, चुलबुल पांडे के भाई दबंग वाले। अच्छा, मैं मजाक कर रहा था, मैं ये पूछना चाह रहा था ये कब से कब तक खुलता है? ये मॉर्निंग को 6 बजे खुल जाता है, रात को 12 बजे तक। 12 बजे तक चलता है। क्या होम डिलीवरी वाली सुविधा ही नहीं है? होम डिलीवरी नहीं है, अगर आप पैकर के लिए जाना चाहेंगे यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन अच्छा पैकिंग करके आप ले जा सकते हैं बस। अच्छा, बगल में एक होटल खुला है, अगर वहाँ के लोग, अभी इधर ही खुला हुआ है, वहाँ के लोगों को भी खाना हो तो यहाँ से ऑर्डर किया जा सकता है कि उनको आना पड़ेगा? यहाँ पे आना पड़ेगा, वहाँ पे डिलीवरी सब कुछ, यहाँ सेल्फ सर्विस है। ऊपर फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट भी है। अच्छा, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट भी है ऊपर, ऊपर सर्विस अगर चाहिए तो आप। अच्छा, चलिए एक बार ऊपर देखा था। हाँ जी, चलिए ठीक है, धन्यवाद।